और चलिए बढ़ते आगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अयोध्या के राम मंदिर ले जाकर दिखाने की चुनौती दी थी। तो वहीं अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा के चैलेंज को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि हेमंत बिस्वा हिंदू हैं, मोदी जी भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म में माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र मुंडन कराते हैं। माता जी के निधन के बाद मोदी जी तो सिर मुड़ाए नहीं। हेमंत बिस्वा सरमा यदि मोदी जी का मुंडन करेंगे तो मैं उन्हें हिंदू मानूंगा। आज बाघेल जी आप एक हिंदू हो तब आप जो भारत में एक सनातन विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष का बेटा ने बोलता है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए, आपका जो दोस्त है स्टेलिन का बेटा ने बोलता है हिंदू मलेरिया डेंगू एड्स है, आज बाघेल जी आप एक हिंदू हो तो आप आवाज उठाओ कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप बंद करो हिंदू विरोधी बातें, आप कुछ नहीं करते हो। तो इसीलिए आज मैंने सभा में बोला कि सुनाव होगा तो आप राहुल गांधी को हर मंदिर दर्शन कराएगा, लेकिन मेरा आपसे एक विनती है, अगर आपका दम है तो राहुल जी को रामलला का सामने ले जाओ, एक बार अयोध्या में ले जाओ। वो नहीं जाएगा, सोनिया गांधी भी नहीं जाएगा, इसलिए बाबर लोग नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए वो मंदिर रामलला का सामने वो उनको लेके नहीं जा सकता है। तब भूपेश हेमंत बिस्वा सरमा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, सिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ जी के देहावतान होने के बाद, अब हेमंत बिस्वा सरमा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा सरमा को हिंदू मानूंगा। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि असम के सीएम ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तिलमिला गए। उन्होंने पीएम मोदी की माता के देहावसान की बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि स्टालिन के बेटे के बयान पर कोई जवाब देंगे क्या? खड़गे जी छत्तीसगढ़ आएंगे तो सीएम से सवाल पूछेंगे, सीएम के पिता सनातन को अपमानित करते हैं, क्या उस पर सीएम भूपेश बघेल जवाब देंगे? क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। कांग्रेस की और भूपेश बघेल जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, इसे भूपेश बघेल जी तिलमिला गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री से इस प्रकार का अनर्गल प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी, क्या खड़के जी के बेटे ने जो कहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़के जी अब बारंबार छत्तीसगढ़ प्रदेश आते हैं, तो यहाँ के सनातनी उनसे पूछना चाहते हैं भूपेश बघेल जी से, क्या भूपेश बघेल जी आप खड़के जी से कहेंगे कि उनके बेटे ने कहा है आप माफी सनातन धर्मियों से माफी मांगें?